ओम शांति। आज हम सभी अपने राज स्वर्ग की बातें आपस में करेंगे। वैसे तो मैं समझती हूं तो हम सभी जो भी यहां बैठे हैं वो अनेक बार स्वर्ग में रह करके राज करके आए हैं, इसलिए हम सब आत्माओं में स्वर्ग के सुखों का, स्वर्ग के राज भाग्य का संस्कार तो भरा हुआ ही है। सिर्फ अभी उसको इमर्ज कर रहे हैं। वैसे स्वर्ग के जो हम सुनाने जा रही है बातें वो बहुत समय पहले के अनुभव किए हुए हैं, जो जब पाकिस्तान में हम लोग रहते थे उस समय सर्विस का कोई रूपरेखा नहीं थी। हम लोग सभी मम्मा और बाबा के साथ भट्टी में रहते थे, तो बाबा मम्मा पढ़ाई और आपस में मिलना बहलना, और उन दिनों में साक्षात्कार की बहुत ही लहर थी। तो उन दिनों में हम जब साक्षात्कार में जाती थी, उन दिनों के स्वर्ग की सीन सीनरियां विशेष जो देखी हुई है उसके आधार पर हम बताते हैं। बाकी ये तो जरूर है कि जिस समय हम उस स्वर्ग के दृश्य को देखते हैं उस समय तो ये याद नहीं रहता है कि मुझे कोई जाके सुनाना है किसको। उस ध्यान से हम देखें तो वो तो उस समय याद ही नहीं रहता है, लेकिन और सुनाना भी पड़ेगा ये भी नहीं पता था। उस समय तो देखने में और स्वर्ग के जीवन को अनुभव करने में ऐसे मस्त हो जाते हैं जो सुनने और सुनाने की तो कोई बात याद हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो कुछ आत्मा ने अनुभव किया उसके आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाकी ये भी कई बातें हैं जो कई बातें अभी बाबा ने भी कुछ स्पष्ट नहीं की है, तो वो बातें कुछ रह भी जा सकती हैं। बाकी जहां तक कोशिश हो सकेंगी वहां तक हम आपको स्वर्ग की बातें सुनाती। तो पहले तो आप सभी इस ब्रह्मांड शरीर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और सभी अपने को शहजादे और शहजादी समझो, राजकुमार राजकुमारियां हैं। और हम ड्रेस धारण करना तो हम सबको आता है, शरीर को भूलना भी आता है और शरीर में धारण करना भी आता है। तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए आप सभी राजकुमार राजकुमारियों की दरबार में जैसे बैठे हैं ऐसे अपने को राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अनुभव करेंगे तो मजा आएगा आपको। तो स्वर्ग के बारे में
सभी यही पूछने चाहते हैं आखिर भी वहां है क्या, जो इतनी स्वर्ग की महिमा है तो है क्या। तो थोड़ी शब्दों में अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो स्वर्ग वो दुनिया है जिसमें आप इस समय जो भी समझते हो ना अच्छे से अच्छा ऐसा होना चाहिए। मानो शरीर के लिए आप सोचो तो अच्छे से अच्छा शरीर क्या होना चाहिए वो आपके आगे आता है ना भाई। शरीर हो तो ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, कोई अंग जो है वो नीचे ऊपर नहीं हो। माना यहां अगर हम देखेंगे ना तो किसके नैन बहुत अच्छे होंगे, कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी है जैसे देवताओं जैसी लगती है, तो फिर और शरीर नहीं होगा। और कोई के दो चार चीजें देवताओं माफक लगेंगी भी, दिव्य लगेंगी भी, लेकिन सारा ही शरीर एक्यूरेट हो, एक एक अंग जैसे ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और दिव्य भी होना चाहिए, तो तद की रीति से भी आप सोचो कि जो शरीर में संपूर्णता होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए। सुंदर तो कहीं दिखाई देते हैं आज के दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहेंगे इनके फीचर्स जो है ना, रंग तो ठीक है सफेद है, लेकिन फीचर्स अभी देवताओं के और होंगे। अभी हम लोग भी देखेंगे तो भी यही कहते हैं ना। तो देवता ही दुनिया में स्वर्ग में जो तन है वो भी बिल्कुल एक एक अंग एक्यूरेट है। आप उसका नुक्स नहीं निकाल सकेंगे कि नहीं आंखें अभी ऐसी होनी चाहिए, नाक थोड़ा लंबा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये आप नहीं निकाल सकते। तो तन में भी संपूर्णता है और दिव्यता है। आजकल का फैशन नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है वहां, ये लगाना नहीं पड़ता है कुछ ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन दिव्यता से भरी हुई ब्यूटी है, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है, जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि दिव्यता आजकल है ही कहां, चाहे हम लोग ब्राह्मण दिव्य हो गए हैं लेकिन हमारे शरीर कहाँ है। शरीर तो हमारे फिर भी विकारी बीज से पैदा हुए हैं, और देवताओं के शरीर जो है वो विकारी बीज से पैदा हुए नहीं है, वो तो योग बल से पैदाश है, दिव्य पैदाश है। तो नेचुरल है, जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर होगा ना। आत्मा दिव्य है, आत्मा संपूर्ण है, तो उसको शरीर भी कौन सा मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा ना, ये तो हिसाब है ना। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि शरीर तन भी बिल्कुल दिव्य और संपूर्ण है, और मन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो तो कोई हद ही नहीं है शांति की, अशांति का नाम निशानी नहीं है वहां, अशांति कुछ होती है वो ही वहां पता नहीं, नाम निशानी नहीं है। और खुशी, खुशी का आधार होता है प्राप्ति। अगर किसी को कोई भी अप्राप्ति होती है तो अप्राप्ति के कारण खुशी गुम होती है। आप अपने जीवन में, हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में भी देखें अगर, तो कभी भी खुशी कम होती है उसका कारण क्या होता है, आज मेरा योग ठीक नहीं लगा, खुशी गुम हो जाएंगी। आज ये करने चाहते थे सेवा लेकिन की नहीं, हो नहीं सकी, सफलता नहीं इतनी मिली। तो खुशी की प्राप्ति का आधार है, अगर हम सब प्राप्ति हमको है तो खुशी हमारी नहीं जा सकती है, अप्राप्ति है तो खुशी नहीं। तो खुशी वहां इसीलिए निरंतर है क्योंकि वहां सर्व प्राप्ति है, और इतनी प्राप्तियां हैं जो आप जो इमेजिन करते हैं ना भाई ये होना चाहिए। जैसे मानो कोई घर बनाता है,
या हम सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर बनाते हैं तो हम इमेज करते हैं भाई सेंटर हम ऐसा होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो मनुष्य को प्राप्ति की चीजें चाहिए वो समझो आपको स्वर्ग में जितनी आप सोचते हो ना उससे ज्यादा है। तो जब प्राप्तियां ही इतनी है तो वहां खुशी ना हो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मन की शांति है, मन में खुशी है, ऐसा ही मन हम सब चाहते हैं। और मन जो है वो भले योग नहीं लगाएगा, अभी तो मन मना भाव होने के लिए अभ्यास करते हैं, सुबह को उठ करके नहीं भी थके हुए भी हो तो भी कहेंगे नहीं अमृत वेले का योग करना है। लेकिन वहां अमृत वेले का योग करना ही है, इसमें बंधे हुए नहीं है। लेकिन नियम जरूर है, वहां योग में उठ करके बैठना है ये नहीं है, लेकिन योग लगा हुआ ही है क्योंकि योग की ही तो प्रारब्ध है ना वहां। जैसे मानो पहले पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई के टाइम तो हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ करके जब पास हो गए, इम्तिहान दे करके पास हो गए तो वो पढ़ाई तो हमारे अंदर समा गई ना, फिर पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, वो कोर्स करने की तो जरूरत नहीं है ना। तो ये योग लगाने की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि इस राजयोग से ही हमको 21 जन्म का राजभाग्य प्राप्त होता है। तो इस समय जो हमने पढ़ाई की उसका ही पद जो है वो हमको सतयुग त्रेता में मिलना है, इसीलिए ये पढ़ाई का रूप वहां नहीं होगा। उठते हैं टाइम पर, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई उठाने नहीं आएगा तो भाई जरूर उठो, आप पे ही आंख खुलती है क्यों, वहां थकावट तो होती नहीं है, कोई ऐसा बोझ का कार्य तो है ही नहीं। और टाइम पर करना है, इतने काम है जो सब टाइम पर करना है, क्लास में जाना है, वहां से दफ्तर में जाना है, बॉक्स तैयार करके जाना है, ऐसी कोई जिम्मेवारी वहां है नहीं। इसीलिए वहां वो रेस्ट की लाइफ है, वो नहीं है भगा भग जैसे ब्राह्मण जीवन में भी सेवा का कितना भाग दौड़ करते हैं और अज्ञानी जीवन में भी भाग दौड़ है, वहां तो मन की भी है तन की भी है। और यहाँ हमारे पास मन शांत है लेकिन तन को फिर भी चलाना तो पड़ता ही, जब सेवा का कहीं विशेष कार्य होता है तो उसमें भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन वहां ये भाग दौड़ होंगी नहीं, बिल्कुल आपकी मन भी एकदम शीतल और तन भी ऐसे ही चलेगा बड़े आराम से, आपको कोई ऐसी बोझ नहीं होगा। सेवा का भी जिम्मेवारी जो होती है टाइम पर होती है ना, वहां सुते ही टाइम पर आप चलेंगे क्योंकि कार्य ही इतना है। तो अमृत वेले उठते जरूर है, लेकिन उठाता कौन है? तो बाबा ने सुनाया था, तो ये जो है ये जो वायु ऐसी अच्छी लगती है और वायु में ये जो वृक्ष के पत्ते हैं वो पत्ते वृक्ष ऐसे हिलते हैं, उनका आवाज ऐसा मीठा निकलता है जैसे कोई नेचुरल साज बज रहे, और पंछी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं कां कां नहीं करेंगे, लेकिन वो पंछों की भाषा ही ऐसी है जैसे गीत गा रहे, और वो जैसे ट्रेन किए हुए जैसे होते हैं ना, इसी रीति से वो जो पंछी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हैं, ऐसे ही नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है, ऐसे लगता है जैसे साज बजा रहे। और इतना मीठा साज होता है वो पंछों का, वृक्ष के पत्तों का, वो जो हिलते हैं वायु से, वो ऐसे साज उस समय अनुभव होता है जैसे आजकल निकले ना एक ही उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साज कट्ठे कट्ठे निकलते हैं, तो वो ये नेचुरल होता है, बजाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल वो आवाज इतना प्यारा होता है जो समय पर आप ही आंख खुलती है।
और जैसे ही आपकी आंख खुलेंगी तो ऐसे नहीं यहां होता है 4 बज गए उठो भागो, ऐसे नहीं उठेंगे, नहीं वहां आराम से उठ करके बड़े प्यार से बैठे रहेंगे। तो 2-4-5 मिनट बैठ करके फिर उठते, और बड़ी बेफिक्र लाइफ है ना। तो आप सोचो बेफिक्र लाइफ जो होती है, खुशी है, प्राप्ति है, तो वो लाइफ क्या होंगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अमृत वेले जो है वो हम लोग उठेंगे, फिर तैयार वगैरह होकर के हम लोग घूमने जाते। सैर तो अच्छा लगता है ना आपको, तो सैर पर जाते और किस में जाएंगे, तैयार तो दासियां भी है, दासियां तो इतनी होंगी जो आपको, बहुत दासियां होती है क्योंकि उन्हों को कुछ तो काम चाहिए, काम जरा भी नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसा, लेकिन दासी है तो दासी तो कहेंगे ना, सेवा तो कुछ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ की सेवा का उन्हों को देना तो है ना, तो इसीलिए दासियां तो होती है, लेकिन उन्हों का भी कोई इतना काम नहीं होता जैसे यहाँ बेचारे जो काम करने वाले हैं उन्हों को, बस सदा ही थके हुए रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं, निमित मात्र थोड़ा बहुत काम करते हैं क्योंकि संख्या बहुत है और काम बहुत हो रहा है, ज्यादा परिवार भी होगा नहीं, यहाँ तो 6-6, 8-8 एक परिवार का होगा, 1-2 नौकर होगा, और वहां होंगे 4 जने, 2 बच्चे और 2 राजा-रानी होंगे, तो 4 वो होंगे और दासियां होंगी 1.5, तो आप सोचो क्या काम होगा। नहीं नहीं वो क्या है कि संख्या वो पोजीशन के ऊपर है, यानी जो जितना बड़ा विश्व राजा विश्व महाराजन होगा उसके साथी होंगे तो उसमें अंतर है। मतलब तो आपको एक एक काम के लिए एक एक दासी तो होंगी, कोई बाल बनाने वाली होंगी, कोई कपड़े संभालने वाली होंगी, तो कोई वो नहाने करने का सारा करने वाली, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई खेल कराने वाली होगी, कोई हाँ पलंग उठाने वाली, वो तो फिर ऑफिशियल जब जाएंगे ना। अच्छा तो तैयार हो गए आप लोग सभी, हाँ तैयार हो गए, ड्रेस ड्रेस दासियां आ गई, दासियों ने आपका सारा श्रृंगार कर लिया, हो गए श्रृंगार, ताज बाज पहन लिया आज अभी चलो घूमने के लिए तो किस पर चलेंगे, हाँ कार बार चलेंगे क्या, नहीं विमान, और वहां विमान इतने होते हैं जैसे यहाँ कारों की लाइन है ना, वैसे वहां विमानों की लाइन होगी, हर एक के पास ढेर विमान है, क्यों कि हर एक टाइम के लिए भी अपने अपने विमान होते हैं। समझो कोई ऐसे बड़े फंक्शन में आप जाते हैं तो आपका विमान इतना बढ़िया होगा, और कॉमन रीति से यूज करते हैं, एक तो इस हिसाब से विमान होते हैं, और दूसरा फिर 2 का, 4 का, 6 का पार्टी का, इस रीति से भी विमान होते हैं, इसीलिए बहुत ही विमान होते हैं, और विमान का शेप जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, कोई पंछी का, कोई पुष्प का, कोई कैसा, ऐसे डिजाइन्स में होते हैं विमान जो होते हैं। अच्छा उसको चलाने की विधि जो है वो बहुत सहज है, सिर्फ बटन आप दबाएंगे, ऐसे करेंगे एक तो चल पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो नीचे उतरेगा, ऐसे करेंगे तो चेंज होगा, बस बिल्कुल सिंपल है। क्यों कि छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, जैसे यहाँ साइकिल चलाते हैं ना छोटे बच्चे, छोटी कार चलाते हैं खिलौने, वैसे समझो वहां छोटे बच्चे वो रियल विमान चलाते, खिलौना नहीं उड़ाने वाला, क्यों कि वहां एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है,
एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है ना, क्यों? कि यहाँ की प्रलब्ध है ना, कोई कर्म भोग थोड़ी वहां होना है, तो एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है, वहां नाम निशानी नहीं है। और एक्सीडेंट भी नहीं होना है तो चलाने में कोई डर भी नहीं है, और है भी बिल्कुल सिंपल। जो भी यहाँ की समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं कठी, अभी कितना पहले के विमान और अभी के ऑटोमेटिक मशीनरीज के विमान देखो, प्लेन, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एटमिक एनर्जी से सब काम चलता है, वैसे ही ऐसे अनुभव होता है कि वहां एटमिक एनर्जी है, लेकिन एटमिक एनर्जी का भी रिफाइंड रूप है, इसीलिए वहां कोई भी प्लेन चला सकता है। क्योंकि मेरे को ये याद है कि मैंने प्लेन चलाया है, हम घूमे हैं उस विमान में, तो बिल्कुल ही सिंपल था। और हमारी आयु उस समय जब हमको साक्षात्कार हुआ था, उस समय हमारी आयु 8 वर्ष की शहजादी के रूप में हमने अपने को देखा था, तो 8 वर्ष की विमान चला सकती है ऐसे, जैसे अकेला घूम के आओ कहां भी, वो डर नहीं लगेगा। भले दासी साथ में होती है, लेकिन कोई उस रीति से नहीं, डर के रीति से नहीं होता है, वो तो एक रिस्पेक्ट है शहजादियों का, राजकुमारियों का, इसीलिए वो साथ में होती है सखियों के रीति से। जैसे एक दासियां भी होती है, एक दासियां होती है, एक दासियां होती है, लेकिन वो इतनी रॉयल दासियां होती है जैसे सखियों के रूप में एकदम हो जाती है, तो वो भी साथ में होती है, लेकिन होता बड़ा सिंपल है। तो विमान में चगे, आपको कौन सा विमान अच्छा लगा, पुष्प वाला अच्छा लगा या पंछियों का अच्छा लगा? जो अच्छा लगे उसमें चल जाओ। और फिर वहां सैर करने के लिए जाते हैं, तो बगीचे तो वहां बाती मई मत पूछो, खुशबू ऐसी नेचुरल होती है वहां, जो जाते ही आप बस उस वैरायटी को देखते रहो, फूलों से खेलते रहो, खेलने के साधन भी है उसमें, खेलते भी है, जिसमें एक शरीर की जैसे वर्जिश भी हो जाती है, यानी दर्दों के कारण वर्जिश नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली शरीर थोड़ा जैसे एक चलता है, तो ऐसे खेल भी होते हैं वहां, बुद्धि के खेल भी होते हैं और शरीर के रीति से भी खेल होते हैं। तो वो खेल करके बगीचे में घूम फिर करके आपस में, क्योंकि बहुत आके मिलते हैं ना, जो नजदीक परिवार वाले होते हैं, रॉयल फैमिली तो होंगी ना, विश्व महाराजन तो होंगा एक, लेकिन उसके साथ और भी तो रॉयल फैमिली होती है ना, तो वो रॉयल फैमिली जो है वो आपस में जैसे एक आयु वाले बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मानो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आयु में तो फर्क पड़ी ना, तो एक आयु वाले जैसे आपस में एंजॉय करते हैं। तो इसी रीति से वहां घूमने जाएंगे, घूमने के बाद जो है वो आप अपने घर में वापस आएंगे, और वापस आकर के फिर ड्रेस बदली करेंगे, घूमने की ड्रेस अपनी होंगी आपकी, और फिर लौट करके आएंगे तो दूसरी ड्रेस पहनेंगे, क्यों, दासियों को कुछ तो काम चाहिए ना, तो वो आप चेंज करेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर कोई कार्य करते हैं राजधानी का, जो रॉयल फैमिली के होते हैं उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो कोई तो राज्य के काम में जाते हैं, और कोई पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे जो है वो पढ़ने करने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाई वहां जो है वो आपको ये बुक्स बड़े बड़े नहीं है, लेकिन एक संगीत और दूसरा ये चित्रकारी, ये विशेष जो सब्जेक्ट है वहां की वो ये दो है, चित्रकारी भी है और ये संगीत भी है। और साथ साथ जो है वो समझो हिस्ट्री जो बताते हैं, वो समझो उस समय जो पूरी विश्व होंगे ना,
यही भारत तो होगा, लेकिन अभी तो छोटा भारत हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस समय पूरी ही विश्व ही एक होंगी, लेकिन इतना दूर दूर तक हम लोग बसे हुए नहीं होंगे, जैसे अभी पता नहीं कहाँ दूर दूर विदेश में चले गए हैं ना। तो इतने वहां लोग कम होने के कारण ये जो स्थान है दूर के, वो रहने के स्थान नहीं होंगे। होंगे तो जरूर ना, कहाँ खत्म थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं तो जैसे एक घूमने के स्थान, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो वहां जैसे कभी कभी विमान में चढ़ के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना, भाई आज यहाँ चलते हैं खेल के मैदान पर, आज यहाँ चलते हैं, इसी रीति से ये जो भी आपके दूर के स्थान है आजकल के विश्व के, वो समझो हमारे एक घूमने के स्थान हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया था ना, वहां की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है, समझो पहाड़ है, पहाड़ भी एक नेचुरली ही एक सीधे सीधे ऐसे लंबे पहाड़ नहीं है, पहाड़ों में भी कोई ना कोई डिजाइन होती है। और जैसे वो खिलौने बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देते, यहां भी जैसे बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देता, कोई घोड़ा बना देता, कोई ये, तो वहां एक पुष्प और पंछी, ये डिजाइन ज्यादा है। तो वो जो है ना, वो पहाड़ भी जो है वो ऑटोमेटिक ज्यादा करके एक नेचुरल होती है, बाकी थोड़ा बहुत जैसे उसको ठीक किया जाता है ना, इसी रीति से पहाड़ होंगे, बगीचे होंगे, तो ऐसे सिंपल नहीं होंगे। सिंपल माना ऐसे जंगल पर है, ऐसे खाली खाली पहाड़ पर है, ऐसे नहीं होगा। हर स्थान जहां भी आप जाएंगे वहां नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, कोई ना कोई विशेषता आपको मिलेगी। इसीलिए वो जो भी स्थान होंगे हमारे, वो एक जैसे घूमने फिरने देखने के हो जाते हैं। तो ये विश्व जो है हमारा, वो विदेश के या दूर दूर के स्थान जो है वो होंगे, लेकिन संख्या कम होने के कारण घूमने के स्थान बन जाए। तो पढ़ाई में जो है वो आपको सारी ये हिस्ट्री बताई जाएंगी, ज्योग्राफी सुनाई जाएंगी, भाई ये इस स्थान पर ये है, जैसे मानो देश होंगे, जैसे यहाँ यूपी है, यहाँ के नाम तो अपने होंगे ना, अभी वो नाम मेरे को याद नहीं है वहां क्या नाम होंगे, लेकिन जैसे यहाँ यूपी है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग है ना, एक ही ऑस्ट्रेलिया में कितने स्थान है ना, अलग अलग। इसी रीति से वहां राजधानी में भी किस स्थान पर कोई चीज ज्यादा निकलेगी, कोई चीज कहां से निकलेगी, तो वो तो होगा ना हिसाब किताब। तो इसीलिए वो सिखाया जाएगा, राजधानी का मुख्य स्थान कौन सा है, मुख्य स्थान पर विशेष चीजें कैसी है, जैसे यहाँ हम आते हैं आबू में या कहां भी विशेष स्थान पर घूमने जाते हैं तो हमको वो एक बुक देते हैं ना, भाई यहाँ इस दिल्ली में जाते हैं तो एक किताब बना हुआ है, भाई दिल्ली में ये लाल किला यहाँ है, फलाना स्थान यहाँ है, ये है, जैसे ऐसी रीति से हर एक देश में क्या क्या विशेषता है, हर एक एरिया जैसे जोन यहाँ है, स्टेट है, तो हर एक स्टेट जो है वो बटी हुई होंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली जो होंगी, जो एक विश्व महाराजा एक विश्व महारानी होंगी, लेकिन उसके जो साथी होंगे रॉयल फैमिली, वो भी राज करेंगे, लेकिन इसी रीति से करेंगे जैसे स्टेट और सेंट्रल होता है ना, इसी रीति से वहाँ ये नहीं मिनिस्टर मिनिस्टर ऐसा फैमिली के रीति से चलता है, यहाँ तो वो होता है ना प्राइम मिनिस्टर का रिगार्ड अपना, मिनिस्टर का अपना, ऐसा नहीं है, वहाँ है एक परिवार के रीति से। टोटल वहाँ की सिस्टम जो है वो मूल आधार है प्यार, परिवार प्यार, किसी रीति से नहीं है वो राजा है तो बस राजा के आगे प्रजा ऐसे ऐसे होती रहे, डरती रहे, ऐसा नहीं है। प्रजा भी जो होंगी वो राजा को जो है वो एक माँ बाप के सने से देखती है, और जो विश्व महाराजन होगा वो भी प्रजा को जो है वो समझो एक बच्चों के रूप में पालना करते, उस रीति से नहीं है ये राजा है ये बड़ा पद है इसका छोटा पद है, ऐसा रूप नहीं है, परिवार
परिवार प्यार का फाउंडेशन है। चाहे आप प्रजा में देखो, चाहे अपने फैमिली में देखो, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार है। वहां स्वार्थ तो किसको है नहीं, इतना कुछ है सब कुछ, तो स्वार्थ किस में करेंगे। इसीलिए स्वार्थ नहीं है जहां प्यार में, निस्वार्थ है तो वो प्यार तो सच्चा होता है ना। तो इसी कारण वहां निस्वार्थ प्यार होने के कारण प्रजा और जो भी राजधानी चलती है वो ऐसे चलती है जैसे एक नजदीक के सनी। इसी रीति से वहां जो राजधानी होगी उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जिसे आपको सब पता होगा वहां तो। हमारे आजकल के विश्व, वहां तो विश्व ही कहेंगे ना उस समय, तो भाई विश्व हमारी जो है भले छोटी होंगी लेकिन विश्व तो होंगी ना, तो उसमें कहां कहां क्या क्या स्थान है और क्या क्या विशेषता है वहां की, ये सारा पढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा चित्रकार के रीति से। और बाकी जो है वो वहां पर ही कोई ये जो है हिसाब किताब भी सिंपल होता है, क्योंकि वहां कोई ऐसे लेन देन नहीं है। कुछ तो चेंज होता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से चेंज करते, समझो बिजनेस जो चलेगा तो कुछ तो चीजें एक दो में चेंज करते हैं। समझो किस में लोहा ज्यादा है, मिसला में लोहा कहती हूँ, समझो अनाज है किस में क्या है ज्यादा किस में क्या, तो एक दो को स्टेट स्टेट को परिवार, जैसे एक घर होता है भाई यहाँ ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो, तुमको ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो, इस रीति से परिवार रीति से चलता है। बाकी बाजार वगैरह भी होती है, क्योंकि हम ड्रेस तो पहनेंगे ना, जेवर तो पहनेंगे ना, तो वो तो बनाने वाले होंगे ना, लेकिन रॉयल फैमिली जो होंगी उसके अपने ही होते हैं, उसको वो जाकर के खरीद करने की जरूरत नहीं। अशरफिया कहो कुछ भी कहो, तो उसी रीति से है। लेकिन वहाँ क्या है कि ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, चार दिया छह दिया क्यों, कमी नहीं है ना, लेकिन एक विधि के पूर्वक कार्य चलेगा। सिलाई वाले अपनी सिलाई करेंगे और जेवर बनाने वाले जेवर पहनेंगे। जेवर जो है वो कोई भी बोझ वाले नहीं होते हैं, होते जेवर जरूर हैं लेकिन इतना वो रियल गोल्ड के होते हैं, पतले से जैसे हल्का वजन, जो आप कितने भी पहनो तो आपका माथा भारी, यहाँ तो ताज पहनती है तो माथा ही भारी हो जाता है ना, तो वह ऐसा सोना नहीं है वहां, इतना सिंपल है जैसे आपको कुछ पड़ा ही नहीं है। और डिजाइन्स बनाने वाले और कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे, डिजाइन ही बनाते रहेंगे। तो इसीलिए वहां वैरायटी भी बहुत है, वैरायटी आप समझो हर स्थान का अपना अपना वो होता है, जैसे यहाँ होता है ना, जैसे स्थान पर जाती है वैसे साड़ी पहनती है, फिर सेट पहनती है, तो वहां जो है वो हर स्थान का अपना अपना है ड्रेस। समझो खेल की ड्रेस है, और राजधानी में कोई फंक्शन होता है उसकी ड्रेस है, तो ऐसे ऑफिशियल फंक्शन की है, दरबार की है, तो अपने अपने ड्रेसेस होती है, और अपने अपने वो गहने का जो है सेट भी अपना अलग अलग होता है। लेकिन वो इतना वो वजन कम होता है उसका, जो आपको कोई बोझ नहीं लगेगा। और बहुत करके सोना, सोने में समझो वो नग लगे हुए होते हैं, आजकल तो आर्टिफिशियल नग भी है ना, लेकिन वो नग वहां ऐसे है, एक एक नग से आपको लाइट नजर आएगी, समझो लाल है रंग, तो जैसे लाल बल्ब जग रहा है, ऐसे नहीं है बस पत्थर माफक वो लाल है ये है, एकदम ऐसे रियल हीरे है जो जैसे रंग का होगा ना वैसे लाइट जैसे आपको लगेगी। तो आप सोचो समझो आपको ताज पर है, पहनो ताज, ताज पर है आपको, और उसमें आपके भिन्न भिन्न रंग के रतन है कि हरा भी है, लाल भी है, वो गोल्ड भी है, सब है। तो वो आप ताज पहन करके जब ताज पहनते हैं तो वो एक एक रतन चमकता है लाइट के माफक, तो कितना अच्छा लगता होगा। और जो मकान है
वो भी सोने के, जैसे यहाँ सीमेंट के वो बनाते हैं ना, चौंक चौंक बना करके फिर वो उस पर बना देते हैं, तो इसी रीति से वहाँ वो बना हुआ है, जैसे एक चौरस में एक शीट्स बने हुए है, उसको सिर्फ फिट आपको करना है बस। बने बनाए हुए मिलते हैं वो भी कोई बनाएगा तो सही, लेकिन वो मकान बनाने में उसी का ही है, और उसमें ऐसे धातु है, सोने के बीच में ऐसे धातु मिक्स हैं जो सूर्य की लाइट जो है ना वो कैच नेचुरल करते हैं, चंद्रमा चांदनी की लाइट वो नेचुरल कैच करते, और चांदनी और सूर्य के टाइम आपको कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा थोड़ा, समझो आप एक मोमबत्ती जलाते हो ना, तो आपके एक मोमबत्ती से समझो सारी जगमग हो जाएगा आपका कमरा, क्योंकि रियल जो वो हीरे हैं उसकी लाइट इतनी तेज होंगी, जो एक सिर्फ थोड़ी सी मोमबत्ती जैसी लाइट आपकी होंगी सारा कमरा जो है वो। इसी रीति से वहां ये सिस्टम है, और पढ़ाई इसी ढंग से होती है, और फिर हम लोग शाम के टाइम जो है ना, शाम के टाइम क्यों इस वो कोई राजधानी का काम करके आएगा और कोई पढ़ करके आएगा, फिर तो जैसे घर में ऐसे रवाजी रीति से जीवन होती है खुशी की वैसी होंगी, लेकिन शाम के टाइम जो है वो फिर या तो रासमंडल होगा रास का, और या तो नाटक होती है वहां, जैसे यहाँ सिनेमा में जाते हैं ना तो सिनेमा नहीं है लेकिन नाटक होते हैं, जो मनुष्य करते हैं नाटक, जैसे यहाँ ड्रामा करते हैं ना हम लोग, इसी रीति से वहां वो ड्रामा पार्टीज बहुत है, तो वो नाटक के रीति से शाम के टाइम जो मनोरंजन है या तो कोई पार्टी फंक्शन होगा या तो नाटक इतने होते हैं जो आप मनोरंजन के लिए वहां कभी राजमंडल में चले जाएंगे कभी नाटक में चले जाएंगे, बस अपना सारा दिन पूरा हो गया, रात्रि को सो जाओ खत्म, खाओ मौज करो और सो जाओ, और तो कोई काम है ही नहीं। और खाने का जो है वो बहुत करके फल है ना उनकी ही सब्जियां है, सब्जी माना तो जो भी बनाते हैं फलों का भिन्न भिन्न रूप से बनाते हैं, दूध और फल ये मुख्य दो हैं, रोटी है यानी आटा है, गेहूं है, अनाज है, लेकिन इतना यूज नहीं होता है, तो लेकिन है ऐसे नहीं नहीं है, है लेकिन बहुत करके ये जो है रस, फलों की रस, और फलों की रस जो है वो आप समझो कहाँ भी जाएंगे ना, समझो बगीचे में आप जाते हैं तो वो फल रस वाले ऐसे भरे हुए हैं, आप जो आपको ग्लास लेकर के वहां उसमें रस डाल के पीने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे रस के फल है और इतने सुंदर साफ ऐसे होंगे जो आप वो लो ऐसे करो और पियो, उसको दबाओ, ऐसा नहीं वो नहीं करना पड़ेगा आपको नली डाल करके पियो वो प्लास्टिक की, वो नहीं, एक नेचुरल जैसे ग्लास के रूप में बस उसको आप ऐसा दबाएंगे आपके मुख में आता जाएगा। तो इसी रीति से वो जो है फलों की रस जो है वो ज्यादा है, समझो नमक है ये जो है ये मीठा, चीनी चीनी और नमक नहीं है वहां, वो जो है वो फल ही ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ जैसे खटाई में टमाटर हम यूज करते हैं ना, तो खटाई का काम टमाटर करता है ना, जैसे यहाँ इसी रीति से वहां मीठा अगर आपको डालना है तो फल होते हैं जिसकी रस डालने से मीठा हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा थोड़ा नमकीन जैसे थोड़ा सा नमक का थोड़ा चहचटा थोड़ा चाहिए तो वो भी फल होता है, जिस फल की रस आप जो आपको चाहिए टेस्ट, मीठा चाहिए
जो भी चाहिए, खट्टा चाहिए आपको, जो भी चाहिए, तो वो फल होते हैं, वो फल की रस डालने से वो होता है, बाकी नहीं चीनी होगी नहीं नमक होगा। आगे समझ में आपको क्या होगा? और कुछ रहा क्या? खाना भी हो गया, पीना भी हो गया, हाँ? पराई सुनाई ना, पराई तो सुना दी ना, बाकी क्या रहा? बस सो गए। कहा ना स्कूल कॉलेज तो होंगे, कॉलेज मतलब इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं होंगी, यही पढ़ाई होंगी, संगीत और ड्राइंग, ये जो है चित्रकारी, इसमें सब होशियार होंगे। और क्या कुछ रहा? हाँ, भाषा जो है वो है हिंदी, लेकिन अभी की जो चालू हिंदी है ना, उससे थोड़ी और है, यानी जो अर्थ सहित है कुछ, जिस शब्द से, शब्द बोलने से अर्थ सिद्ध होता है, भाई ये चीज है, तो वो हमको अभी तो याद नहीं है। पहले तो हम लोगों को भाषा भी याद थी, लेकिन पाकिस्तान में ही रह गए सारे ये लिखते। पाकिस्तान की बातें हैं ना, ये हम बहुत करके तो वहां ही जाते थे ना, तो पाकिस्तान में हम लोग जब उतरते थे ट्रांस से, तो सारे लिखते थे, कई कापियां हम लोगों के अनुभव की लिखी हुई थी, लेकिन हम लोग द्वापर के लिए वहां बंद करके आए हैं, क्योंकि द्वापर में सारे शास्त्र बनेंगे ना, तो उसके लिए बाबा ने वहां कुंज बोन, कौन गया कुंज बोन देखने, गया ना एक भाई, हाँ, तो वो जो कुंज बोन था ना हमारा, तो कुंज बोन में आपने वहां देखा ना शायद वीडियो में, कुंज बोन, और ये तो कुंज बोन में एक धोबी घाट की वो टंकी होती थी, सीमेंट की जैसे टैंक बनी हुई होती थी, तो वो बाबा ने खुदवा करके वहां, और लोहे के पेटी में सारी चीजें, कुछ कुछ बहुत था लेकिन कुछ मूल्या और कुछ ऐसी चीजें जो है ना, वो बाबा ने मोटी मोटी लोहे की पेटियों में बंद करा के डलवाई है वहां, वो निकलेंगी, शास्त्र बनेंगे उससे। तो बेचारे उनों के लिए भी तो साधन चाहिए ना, शास्त्र वाले बेचारों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, इसीलिए वहां दबा करके आए। हाँ, स्वयंवर, स्वयंवर मतलब जैसे वो फंक्शन होता है वैसे ही होगा, माला पहनाने से, वर माला पहनाने से, जैसे दाम धूम से होता है, परिवार आता है, पार्टी होती है, इसी राज तिलक जैसे होगा, यानी तिलक भी होगा, माला भी होगी, जैसे धूमधाम से बड़े फंक्शन होते वैसे। स्वयंवर लव मैरिज नहीं होंगी, लेकिन प्यार, प्यार ऐसा होगा, प्यार होगा लेकिन होगा विधि पूर्वक, ऐसे नहीं छिप करके मंदिर में कर देवे, ऐसे नहीं होगा, लेकिन कायदे प्रमाण सारे परिवार में निमंत्रण जाएगा, जैसे कायदे प्रमाण माँ बाप कराते हैं, इसी रीति से स्वयंवर नहीं, लव होगा लेकिन लव मैरिज नहीं होंगे। क्योंकि वहां माँ बाप तो मना करेंगे नहीं, नहीं, यहाँ तो लव मैरिज छिपके इसीलिए करते हैं क्योंकि माँ बाप नहीं मानते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात होती है, वहां ऐसी बात तो है ही नहीं, तो इसीलिए वहां लव तो होता है लेकिन इस रीति से मैरिज नहीं होती है, नियम प्रमाण विधि पूर्वक होती है मैरिज। और क्या आगे सब सब स्वर्ग घूम के आए? हाँ, शरीर, शरीर तो जैसे बस आराम से छोड़ेंगे, पता पड़ेगा आपको, क्योंकि आयु तो वो ही होती है ना, तो उसमें ही पता पड़ता है अभी हमारे नया जन्म लेना है, लेकिन बूढ़ा नहीं होंगे, अंत तक भी आप जैसे यहाँ की युवा अवस्था से भी पहली युवा, शुरू की युवा, जिसमें तंदुरुस्ती होती है, सब कुछ, दिमाग भी ठीक होता है, अंग भी ठीक होते हैं, ऐसे समझो बूढ़ा जाने का टाइम जो होगा वो स्टेज शरीर की ऐसी होंगी, हाँ, जलाने का ही।
अभी अभी इतना शमशान तक मैं गई नहीं हूँ वैसे लेकिन ये क्योंकि हमने इतना थोड़ी ध्यान दिया तो शमशान भी देखो क्या हाँ सीजन चार ही होती है, सीजन चार ही होती है, लेकिन क्या है यहाँ बहुत है ना गर्मी, तो एकदम ऐसी गर्मी जो सहन नहीं होता है, ये थोड़ा सा अंतर है ना समझो। सर्दी के सीजन में ऐसी सर्दी नहीं होंगी जो गर्म कपड़े पहनने पड़े, कपड़े वही चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर लगेगा भाई, सीजन थोड़ी चेंज। बरसात पड़ेंगी लेकिन ऐसी बरसात नहीं पड़ेंगी जो आप बाहर नहीं निकल सको और रास्ते ही खराब हो जाए, छींटे पड़े आपके वस्त्रों में, ऐसे नहीं हो। क्या अभी ये तो विवेक से समझती है कि पता होना चाहिए। हाँ बाबा जैसे कहता है, क्योंकि वहाँ बुद्धि तो क्लियर होती है, टचिंग तो अच्छी होती है, तो हो सकता है भाई ये आने वाले है बच्चे तो उसके स्मृति में आवे। हाँ? क्या हाँ हाँ दहेज होगा, दहेज वहाँ कोई वो कमी है ही नहीं ना, यहाँ तो दहेज प्रॉब्लम तभी हुई है जो कमी है। अगर आपके पास होवे तो आप तो प्यार से देंगे ना, तो वहाँ कमी नहीं है, इसलिए वहाँ दहेज की प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो गांव के गांव आप दे देंगे, दासियां देंगे, सब कुछ देंगे। हाँ वो तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, वहाँ तो है ही ये दुनिया ना, और कुछ है ही नहीं, हम ही होंगे ना, और तो कोई होंगे ही नहीं, और धर्म कोई होगा नहीं, सिर्फ हम ही ब्राह्मण होंगे, और ब्राह्मण भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई सब इतने इकट्ठे तो सभी होते ही नहीं है, संख्या पहले कम होती है पीछे बढ़ती जाती है। अच्छा तो अभी मतलब सतयुग तो सुन लिया, लेकिन सतयुग में जाने का रास्ता कौन सा है? तो बाबा कहते हैं कि गोल्डन एज में जाने के लिए खुद गोल्डन स्टेज बनानी पड़ेगी। तो जो अगर हमारी और गोल्डन स्टेज के लिए बाबा ने कहा है, मोल्ड होने का संस्कार अगर आप में है तो समझो मैं रियल गोल्ड हूँ, अगर मोल्ड होने का संस्कार नहीं तो रियल गोल्ड नहीं, फिर अलय मिक्स है तभी नहीं मुड़ता है। तो मोल्ड होने के अगर संस्कार है, जैसा समय जैसी सेवा जैसे साथी उनसे मिक्स होकर के चलने का, माना उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े लेकिन मेरी संपूर्ण स्टेज ऐसी हो जो उस साथी को भी संपूर्ण बना दो, इसको कहते हैं मोल्ड होने के संस्कार। तो अगर परिस्थिति के प्रमाण, कोई कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हम अपने को उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर सके, इसको कहते हैं मोल्ड होने के संस्कार। बाबा कहते हैं अगर आप में मोल्ड होने के संस्कार होंगे तो रियल गोल्ड अभी भी हो और फिर गोल्डन एज में तो जाने, ये है साधन। ठीक है क्वेश्चन पूरे हुए? हाँ हमने तो नदियां ही देखी है नदियों का पानी देखा है, होगा कुछ तो फर्क होगा जरूर समुद्र और नदियों में तो होगा, लेकिन वहाँ समुद्र की तो एक घूमने का स्थान होगा ना, पीने का पानी तो नदियां ही इतनी होंगी जो विमान स्पीड जो चाहिए आपको चलाओ ना, वहाँ एक्सीडेंट होना नहीं आप सोच लो, और इतनी हड़बड़ तो है ही नहीं, हमको टाइम पर 8 बजे पहुंचना है, ऐसी तो कोई मुसीबत है ही नहीं, इसीलिए फास्ट करनी है ये करनी है ऐसी कोई बात ही नहीं, इसलिए आराम से जो भी काम आप करेंगे ना
वो नहीं होगा, बस ये पहुंचना है, ये करना है, ये होना है, ये हड़बड़ नहीं है वहां, बड़ा आराम है। दिन रात तो होंगे ना समय, मैंने कहा ना चार ही मौसम होती है, टाइम हो है, टाइम तो है क्योंकि टाइम के परवानी तो चलेंगे ना, लेकिन ये घड़िया नहीं है, ये घड़िया नहीं है, बाकी टाइम होंगे, दिन होंगे, वो अपने नाम होंगे, चेंज होंगे। हाँ साज, अच्छा ये साज बजाने वाला है इसलिए साज ऐसे ही है, ये सिर्फ जो है ये धातु होते हैं ना उसके बने हुए होते हैं, जैसे आपके साज है ना यहाँ, पियाना है, ये है, ये सब होंगे वहाँ, लेकिन सिर्फ वहाँ एक सोने चांदी के वो धातुओं के अच्छे अच्छे सुने होंगे, बाकी ये साज है वहाँ। लक्कर भी है लेकिन लक्कर का भी थोड़ा शोभनीक रूप होगा। अच्छा चलो अभी अभी स्वर्ग से चलो परम धाम। ओम शांति।